इस गांव में ना स्कूल है और ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हमें यहाँ से 20 सिलेंडर मिले हुए इस गांव में पूरे में 250 परिवारों में। क्या तो योगी की कर ले, क्या हम मोदी की कर ले। तो इस वक्त जिस दुकान में हम बैठे हुए हैं, ये दुकान जो है ये कैराना से लगी हुई दुकान है और ये पीछे कॉलोनी है। इस कॉलोनी का नाम है नाहिद हसन कॉलोनी। ये एक्चुअली 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद वहाँ से पलायन करके लोग जो आए थे वो अपने ठिकाने के हिसाब से कि कहाँ रहा जाए, तो यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं नाहिद हसन, उन्होंने अपनी ज़मीन यहाँ पर कटवा करके और यहाँ 128 घर पक्के के मकान हैं, 128 पक्के के मकान और कुछ झोपड़ियाँ हैं, लगभग 100 से ज़्यादा, मतलब 300 परिवारों को बसाया था यहाँ पे। और वो 300 परिवार यहाँ अभी भी, आज 2013 के बाद ये 2022 में हम हैं और आप समझ सकते हैं कि लगभग 9 साल बीतने को हैं और इन 9 सालों से लोग यहीं पर जीवन यापन कर रहे हैं। आइए ज़रा समझते हैं कि आखिर कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे ये दुकान इन्होंने खोली है यहाँ पर, इससे पहले कहाँ थे, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद खालिद और ज़िला मुजफ्फरनगर गाँव फुगाना का रहने वाला हूँ जी। ये जो 2013 में जो दंगा हुआ था और वहाँ से गांव छोड़कर जो लोग आए थे, हमारे घरों में भी वहाँ पे आग लगा दी गई थी, मस्जिदें जो हैं तोड़ फोड़ मस्जिदों में कर दी गई थी, तो वहाँ से फिर ये नाहिद हसन जो हैं हमारे विधायक जी, तो ये मलकपुर से कैंप लगा हुआ था तो वहाँ से हमें यहाँ लेकर आए थे और इन्होंने ज़मीन जो है दान की थी और दान की हुई ज़मीन में इन्होंने मकान बनवाए थे और उन मकानों में हम रह रहे हैं, अच्छी तरह रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाहिद जी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और मतलब जो अगर कोई परेशानी आती है तो हमारी परेशानी जो है हसन परिवार से ही सोल्व होती है। ये बताइए कि कितनी रोजी रोटी, जैसे यहाँ पे आप देख रहा हूँ कि चाय और बाकी कुछ है इससे? ये तो जी देखो करना पड़ेगा, चाय की दुकान है और लोग जो है मेहनत मजदूरी करने वाले हैं यहाँ, और बाहर भी जाते हैं लोग कमाने खाने के लिए। हाँ ये देखो पैर, हाँ पैर नहीं है तो फिर भी करके खा रहे हैं, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सब बहुत बढ़िया चल रहा है। चौधरी साहब जो है नाहिद हसन, उनका बहुत ज़्यादा इस बस्ती के ऊपर ध्यान रहता है। ये बस्ती उन्होंने बसाई जी? जी नाहिद हसन की बसाई हुई बस्ती है जी। आप भी यहीं हैं? अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं। एक मिनट आता हूँ आपके पास ही। और आपसे भी थोड़ा, कैसे घर परिवार कैसे चलाती हैं, और जब आप लोग वहाँ से यहाँ आए मुजफ्फरनगर से, तो क्या क्या कष्ट सहना पड़ा, कैसे वहाँ का जो उस समय की जो बातें हैं, यादें हैं, वो भी याद आती होंगी? जी बहुत याद आती हैं, और बड़ी कठिन से वहाँ से निकल कर आए, भूखे भी रहे हम वहाँ, प्यासे रहे, रस्तों में भटकते भागते दौड़ते आए जैसा, फिर हमें उठा कर लाए ये गाड़ियों में आ गए वहाँ से सेवर में, हमें जिम तो वैसा ही पड़ा था मैदान, फिर हमें पल भी दिया गया, बांस भी दिए गए, हमने झुग्गी बनाई अपनी, झुग्गी बना आ गया उसमें रहन सहन लगे, और जो दान आता था खाने का पीने का वो सब बाहर से ही आता था जी, इमदाद करते थे लोग बाग वो खाते थे वहाँ। कितने बाल बच्चे परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 5 बच्चे हैं जी मेरे। अब क्या कमाई कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं? भट्टे पे जा रहे मेरे बच्चे, भट्टे पे जा रहे। हाँ पढ़ाई लिखाई तो बस सब खूगी थी, उस दंगे के बाद ही खूगी थी। जब सब तक नहीं पढ़ाई का साल सब कोई भी बैठा जी, बच्चे परेशान है हमारे यहाँ। अच्छा ये कभी लॉकडाउन लग जाता है तो जब से लॉकडाउन चालू आया जब से बच्चे जो है परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे पढ़ाई हमारे यहाँ माशाल्लाह स्कूल है, सरकारी स्कूल भी है, बच्चे कराने में जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो थोड़ी प्रॉब्लम बस ये लॉकडाउन की वजह से है। अब मौसम थोड़ा ख़राब है इसलिए बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ माशाल्लाह, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। आप भी यहीं रहते हैं?
जी आप क्या करते हैं? जी भट्टे पे काम करता हूँ, घोड़ा बुग्गी चलाता हूँ। आप भी उसी समय आए 2013 में यहाँ आए? जी 2000 फुगाने का ही हो जी मैं भी। जी फिर कैसे जीवन जो है, जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ी आपकी? बस जी जिंदगी गाड़ी तो बस बेकार ही हो ली जी, जब से गांव में सब उजड़े जब से बेकार ही है, बस संसद नहीं बैठ रहा काम का धंधे का कैसे भी। और वो तो जी शुगर है बेचारे का इसका, ना ही दसन का उनने बेचारे ना यहाँ अपनी जमीन में बसा दिए, यहाँ सारे गरीब आदमी बेचारे नहीं वीरान होते, कहाँ फिरते कहाँ रहते। चौधरी नाई दसन का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है बेचारे का, उन्हें यहाँ बसाए गरीब आदमी। हमारे तो जो आप मकान था नहीं, जो 5 लाख रुपए का मकान था वो 50,000 रुपए में खरीदा उन लोगों ने। मतलब दहशत के मारे क्या करते हैं भाई, ये वैसे भी दबा लेंगे लोग, तो जो भी हाथ लग रहा है निकाल लो यहाँ से अपना। अगर जो मतलब 5 लाख का माल 50,000 में खरीदा जा रहा हमारा, तो परेशानी बनी ना बहुत ज़्यादा। अगर ये भी ना मिलता तो 50,000 में बताओ मकान बनाते, ज़मीन खरीदते, क्या करते? अगर नाई दसन आसरा ये ना बनता यहाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं था। जाते तो कहाँ जाते, जब खाने के लाले पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा खाने की परेशानी थी। अब बताओ मकान कहाँ से बनाते, ज़मीन कहाँ से खरीदते? वो तो अल्लाह का शुक्र है नाई दसन जो है उन्होंने अपनी ज़मीन जो है दान की है, और इस दान की हुई ज़मीन में मकान बनाए और हमें रहने का सहारा मिला। और अब जो है योगी जी ने जो है नाई दसन पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको अंदर डाल दिया, तो उन्होंने खो ही दिया है वहाँ से अंदर डाल के। बता अब हम क्या, तो योगी की कर ले क्या, हम मोदी की कर ले हैं, क्या कर सके हमारे लिए? योगी ने देखा यहाँ से आज लो ब्याग ब्याग, मतलब मोदी ने यहाँ पे देखा हो कुछ भाई, वहाँ भी फला कलोनी पड़ी। कल परसों अमित शाह जी आए थे, कल परसों कैराने में अमित शाह जी आए थे। क्या अमित शाह जी जो है पूरे हिंदुस्तान के वो हैं या सिर्फ मतलब जो है 4 आदमियों के हैं? हम भी तो इंतज़ार में थे भाई अमित शाह जी आए, हमारे भी मंत्री हैं वे, हम भी हम उनसे मोहब्बत नहीं करते क्या? हमें आगे देखा पलायन पलायन करते हैं वो भाई, पलायन करके वहाँ से कराने से जा रहे हैं। चलिए आप देखे जाके, पूरा बाजार जो है बनियों का है, हिंदू के सब हैं यहाँ पर, हरिजन यहाँ पे हैं। अच्छा पलायन किसने किया? जो आदमी यहाँ से निकल के गया वो अपने कारोबार के लिए गया भाई, यहाँ कारोबार कम है चलिए वहाँ पर दूर कहीं जाते हैं वहाँ कारोबार मिलेगा। पलायन हमने क्या हुआ है? हमारे पास अमित साहब जी आए या योगी जी हमारा पता लेने के लिए आए? हम पलायन करके यहाँ आए हैं 2013 में, जन्मभूमि छोड़ी, घर छोड़ा, मतलब परेशानी हुई, हमारे दर्द को देखने के लिए वहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाए। वो हमारा हालत देखिए, देख ही रहे यहाँ पर, मतलब क्या कितने बुरे हाल में ज़िंदगी बसर हम लोग कर रहे हैं यहाँ। पलायन तो हमने क्या है, हम आए पलायन करके हैं, वो पलायन बताते हैं कहराने में। कपड़ा भी नहीं था हमारे, जो हम जो था हमारे घर में सब हम छोड़ गए और भगदौड़ मच गई वहाँ से, अपने बच्चों को ले ले गए, भाग पड़े वहाँ से हैं। तुझ मुझ के कपड़े पहरे हमने हैं, हमने इतना कठिन टाइम काटा जिसका कोई हद नहीं। हमें यहाँ पे आके देखा क्या, एक दंगा पीड़ित कॉलोनी भी है, गरीब बस्ती की कॉलोनी है, यहाँ पे क्या देना है क्या करना है? आज तक 9 साल तक हमें जो योगी सरकार ने कुछ देखा ही नहीं कि हमें इस किराने के अंदर में कुछ कॉलोनी दंगा पीड़ित की है, जो गांव से अपने यहाँ पे आई है भागकर। ये तो हमारे जमीयत वाले हैं और यहाँ के जो हमारे नेता है उन्होंने हमारी मदद करी, तब हम यहाँ पे हमारे रहने लगे। वो असली पलायन तो ये है, ये लोग असली पलायनिंग वाले हैं, ये पलायन करके आए हैं, इनको तो आगे देखते नहीं। और जो लोग मतलब जो है बस वोटों का मुद्दा बना रहे हैं, अच्छा वोटों का मुद्दा बना रहे हैं बस भाई, जातिवाद पर इलेक्शन लड़ना है कुछ भी हो जाए। अच्छा यहाँ कर देखो, असली दंगा पीड़ित जो है इस नाहिद कॉलोनी के अंदर है और किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ कर देखें। और यहाँ तक वो लोग पहुँचते नहीं, हाँ पहुँच जो है कहराने में आते हैं, 4 परिवार से मिलकर चले गए यहाँ, मतलब यहाँ भी तो उनका परिवार नहीं है, ये भी तो अमित शाह का परिवार है, इस परिवार को भी तो कम से कम देखें आके। योगी जी आए, अमित शाह जी आए, नहीं कोई नहीं।
अच्छा बस वहाँ से वहाँ पलायन बताते हैं, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। अरे असली पलायन वाले ये बैठे हैं, यहाँ आके मिलो ना, इनके दर्द को जानो ना, इनका दर्द क्या है। दंगा हुआ है, जो ये मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, 8-9 साल हमें यहाँ रह गए हैं। 9 साल में हमें योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने किसी ने भी आगे देखा है कि दंगा पीड़ित वाले हैं यहाँ पर, कुछ मदद भेजी हो हमारे नाम की, कि भाई जाओ उनके लिए कुछ मदद दी है? कोई मदद नहीं दी हमें योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, बल्कि लड़ाने वाली बात सारे करते हैं कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है। कोई हिंदू का कोई मुस्लिम नहीं है, सब एक नागरिक की है। बाबा आप भी कुछ बोल रहे थे, सिलेंडर की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, सिलेंडर जो 50-50 बीघे जमीन बो रहा, उनके घर में 4-4 सिलेंडर। जो एक गरीब आदमी 200 रुपए की मजदूरी करे, उसके लिए एक नहीं है यहाँ। तीन फेरी में एक भी वो नहीं हुआ, सात दिन नहीं मिला सिलेंडर, नहीं मिला आपको भी? नहीं मिला। हमें यहाँ से 20 सिलेंडर मिले हुए इस गांव में, पूरे में 250 परिवारों में 20 सिलेंडर। कहते तुम्हें नहीं मिलते? जब मैं अपना सिलेंडर लेने पहुंचा तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि तुम्हारा सिलेंडर नेट पर चढ़ चुका है। जब मेरा सिलेंडर नेट पर चढ़ चुका है तो मुझे सिलेंडर क्यों नहीं दिया? इधर से उधर जाना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे फॉर्म भरना, मेरा जब कनेक्शन हो चुका है योगी सरकार के समय, तो मुझे सिलेंडर नहीं दिया। तो ऐसे जब गरीबों को सिलेंडर नहीं दे रहे हैं तो गरीब कहाँ कहाँ जाएगा, कितना पैसा है, कहाँ का किराया? ये बताइए कि यहाँ पे इस मोहल्ले में जो आपका नाहिद कॉलोनी है, इसमें और किसी के पास सिलेंडर नहीं है? सिर्फ 20 घरों के पास है। अब ये देखो जी, मैं विकलांग आदमी हूँ, जब मुझे सिलेंडर नहीं मिला, देखो ये दर्द दिखाओ जी कैमरे में, ये 5 किलो का, 2.5-3 किलो का सिलेंडर मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, जब मुझे सिलेंडर नहीं मिला, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस दिन नाहिद के यहाँ मेरी अर्जी चली जाएगी ना, तो इंशाल्लाह वहाँ से कोठी से सिलेंडर आएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। इतना हमारा मतलब जो है ध्यान रखते हैं नाहिद जी। तो ये हम लोग इस वक्त नाहिद हसन कॉलोनी में हैं और यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। और ये कॉलोनी, जैसा कि पहले शुरुआत में भी हमने बताया कि ये कॉलोनी पलायन के दौरान, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उस दौरान, नाहिद हसन जो विधायक भी हैं यहाँ के और इस वक्त समाजवादी पार्टी और RLD की तरफ से प्रत्याशी भी हैं, उनके द्वारा ये कॉलोनी बसाई गई थी। और इस कॉलोनी के लोगों की जो समस्या है वही समझने की कोशिश, यहाँ के लोगों का कहना है कि लोग तो यहाँ आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, लेकिन वो हम लोगों की समस्याओं को नहीं दिखाते हैं। ये जो गली है, ये आप देखिए, इस गली में अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे हम, समझ जाने की कोशिश करते हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ किस प्रकार ये लोग रहते हैं। और चूंकि एक ये लोग पीड़ित हैं, और ख़ासकर ये इन्होंने अपने घर को छोड़ करके और यहाँ रहे, आपसे थोड़ा समझेंगे। आप ये यहाँ आप रहते हैं, आप रहते हैं यहाँ पे, देखिए कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो जी जब से ये दंगा सोया था, जब से यहाँ पड़े हैं आके। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले जी बिराल थे, किशनपुर बिराल के। कहाँ पड़ता है ये? मुजफ्फरनगर बड़ोत साइड में। अच्छा, बड़ोत, बड़ोत के पास में, वहाँ भी दंगा हुआ था? हाँ, वहाँ पे भी हुआ था जी, सब निकल गए थे डर के मारे। अच्छा, तो जब से यही है। उसके बाद से यहाँ आ गए। परिवार में और कौन कौन है? हमारे अब्बा है, हमारी बीवी है, भाई है, बहन है, सब है। तो पिछले 7-8 साल से यहीं? हाँ, 7-8 साल से यही है। करते क्या हैं आप, कैसे रोजी रोटी जी? मजदूरी बाग में, घर में मजदूरी करते हैं जी। और अगर पलायन की बात जब हो रही है, और कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का पलायन, तो यहाँ ये लोग कहते हैं कि देखिए पलायन तो असल में हमारा हुआ है, न कि हिंदुओं का। हिंदू तो अपनी मर्ज़ी से गए, वो अपने व्यवसाय के लिए यहाँ से वहाँ गए, लेकिन ये लोग दंगा पीड़ित हैं, और इनके लिए भगवान की तरह हैं नाहिद हसन, जो इस वक्त जिस गली में, जिस मोहल्ले में हम अभी हैं यहाँ पर, ये उन्होंने दान में देकर इस ज़मीन को और यहाँ घर बनवाए थे। और कुछ लोगों से और कोशिश करते हैं कि आप भी यहीं पे रहती हैं, कब से आई थी आप? लड़ाई के 2013 के बाद। हाँ, पहले कहाँ थी? यहीं थे। हाँ। नहीं, 2013 से पहले भी थी यहाँ पे? यहीं थे। कहाँ थे? नहीं, मतलब पुर पड़े थे मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ था उसके बाद यहाँ आए? हाँ जी। कौन कौन है परिवार में? सारे है परिवार में, तो घर गए।
परिवार यहीं पर है, उसके बाद से यहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ जिनसे भी बात करेंगे ये सब उसी समय के आए हुए हैं और खासकर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद आए हुए, और इस थोड़ा आप आएंगे, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, तो कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ जी मैं 10-11 साल होली 2013 से ही है। 2013 से हैं, इससे पहले कहाँ थे आप? पहले गांव में थे। कौन से, मतलब कौन से? कीठल। कीठल जी, कहाँ पड़ता है, किस? ये बागपत जिले में पड़ता है जी, हाँ, रमाड़ा के पास में, रमाड़ा कीठल पड़ेसोली, मतलब इधर छपरौली साइड में इस क्षेत्र में पड़ता है जी। ये बताइए कि आसपास जो इतने बच्चे हैं, क्या पढ़ने वढ़ने भी जाते हैं बच्चे? जी जब स्कूल है, स्कूल तो है, लेकिन जब से लॉकडाउन लग रहा कोई सेवा है ही नहीं। उसमें ना तो टीचर रखते ना, आज लो बिल्डिंग नहीं, 6 साल स्कूल वो हमने मतलब टीन टान के रखा कर रखा, उसमें ना तो टीचर भेज रहे ना बच्चे कोई सुविधा भेज रहे, कोई नहीं दे रहे, तो बता बच्चे कहाँ पढ़े? एक कराना जाना उठे बच्चे रोड का 3 किलोमीटर पड़े, बोरा 3 किलोमीटर पड़े, कहाँ भेजे? बताओ, इतनी तो जरिए हमारे हम छोड़ का ले का। जरा उन बच्चों को दिखाओ, उधर भी बच्चे हैं, इधर भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन यही है कि स्कूल की कमी और खासकर इस लॉकडाउन के दौरान और उसमें भी ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, उसमें बच्चों की जो पढ़ाई का मामला है वो भी सामने है, लेकिन खासकर बच्चे यहीं रहते हैं और कहीं मतलब नहीं रहते हैं। 150 बच्चे हैं स्कूल में, जो दाखिला हो रहा है 150 बच्चों का, और आता नहीं टीचर, एक टीचर आवा था, एक टीचर क्या 150 बच्चों को कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पे जो संस्था है उन्होंने स्कूल बनवाया था अपनी तरफ से, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बना यहाँ पे, इस गाँव में कम से कम 250-300 परिवार रहते हैं और उनके सभी बच्चे यहीं पर खेलते हैं, बाहर कहीं पढ़ने नहीं जाते, अगर बाहर जाते हैं तो यहाँ साधन नहीं है कोई, दूर है स्कूल, इस गांव में ना स्कूल है और ना बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ये बच्चे जो बगैर पढ़ाई के ऐसे ही घूम रहे हैं, माँ बाप भी ये कहते हैं कि इन बच्चों को कहाँ पढ़ाए कहाँ नहीं पढ़ाए, इस गांव में कोई स्कूल नहीं है, छोटा सा स्कूल बना रखा है उसमें एक मास्टर है, 150 बच्चों को एक मास्टर कैसे पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा सकता वो। परेशानी है, अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं, उसमें भी बच्चों का जो कि कल के भविष्य हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई अगर ना हो पाए तो फिर आगे कैसे चलेगा ये देश, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर एक तो रहने की व्यवस्था अगर किसी तरह इनकी हो पाई, 2013 के बाद से ये मोहल्ला बसा है और इसके बाद इनकी जो समस्याएँ हैं रोज़ी रोटी से लेकर के शिक्षा स्वास्थ्य तमाम चीज़ें, अगर तबीयत खराब हो जाए तो वो कहाँ जाएँ और पढ़ाई के लिए कहाँ जाएँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस चुनाव में इन मुद्दों को भी देखना चाहिए जब वोट देने के लिए वोटर्स जाएंगे। क्या आप लोग ऐसे मुद्दों पे भी विचार करेंगे, सोचेंगे कि आखिर वोट देने जाएं तो भाई जो हमारे लिए शिक्षा की बात करे, जो हमारे लिए स्वास्थ्य की बात करे, ये सब, और खासकर अभी जैसे नाहिद हसन यहाँ के विधायक भी हैं और आगे चुनाव लड़ भी रहे हैं और देख रहा हूँ उन्हीं के नाम से ये कॉलोनी भी है, उन्होंने बसाई है, उनसे आप लोगों की क्या उम्मीद है? चौधरी नाहिद हसन से हमें पूरी उम्मीद है, वे हमारे नेता है और हमारे यहाँ के विधायक है, उनसे सारा ही विश्वास है कि वो हमारी इस कॉलोनी को बहुत कुछ देंगे। वो कहते हैं आने दो, टाइम आने दो, हमारा टाइम आने दो, हम स्कूल भी देंगे, कॉलोनी अच्छी से अच्छी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, आप किस रूप में देखते, कैसे देखते हैं जी यहाँ से? सर अगर कुछ सामान लेने जाए तो यहाँ पे गिर जाएंगे रपट के, ऐसे वो हो रहा, मतलब कुछ लेने के लिए जाए बच्चों कुछ भेजे वो भी रपट के वापसी आता है घर होता हुआ, सारा बन गया। अगर कुछ मान लें कि कुछ वैसे कुछ आए बाहर से अधिकारी या कुछ, वे आते नहीं सीधा वहीं बाग में बैठ जाएंगे, अंदर नहीं आते, अंदर तो वैसे कचकट हो रहा है, अंदर कैसे जाए, वहीं से बाहर ऐलान करवा देते हैं मस्जिद में, अगर जो कुछ आना बाहर आ जाएगा, इसलिए सर कोई वैसे नहीं आते, सब वहाँ पे बाग में कैंप लगा लेते हैं सड़क पे ही, वहीं से सब कुछ होता है। तो समस्याएं हैं और साथ साथ उसका समाधान भी, लेकिन बहुत उम्मीद यहाँ के जो भावी उम्मीदवार हैं, जो भावी नहीं ऑलरेडी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है, और नाहिद हसन से यहाँ के लोगों की बहुत उम्मीद इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जिस मोहल्ले में जिस कॉलोनी में हम इस वक्त हैं ये नाहिद हसन नहीं 2013 के दंगे के बाद यहाँ बस आई थी ये कॉलोनी।